गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग झारखंड जीएस का हिंदी माध्यम से भी लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड हिस्ट्री, झारखंड का इतिहास। आज हम लोग झारखंड का इतिहास में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे झारखंड का कालक्रम। झारखंड के इतिहास के किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले झारखंड का कालक्रम समझना ज़रूरी है। ये झारखंड का कालक्रम हमें ये बताता है कि किस समय में क्या क्या हुआ होगा। क्लियर? तो हम लोग अपने ही आसानी के लिए पूरी हिस्ट्री को हम लोग कुछ उसके समय काल में, किस समय काल में क्या क्या हुआ था, उस पर हम लोग उसको विभाजित कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के समय को हम लोग कहते हैं ईस्वी। क्लियर? तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात हो रही है। तो 10 लाख से लेकर 4000 ईसा पूर्व ये हमारा पाषाण युग है। पाषाण युग को हम लोग आगे विभाजित करते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 11000 ईसा पूर्व को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। 11000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व को हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल। 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व को हम लोग पढ़ते हैं नव पाषाण काल में। फिर 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को हम लोग कहते हैं धातु युग। यहाँ धातु युग इसको क्यों कह रहे हैं, इसको पाषाण युग क्यों कह रहे हैं, इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। क्लियर? तो हम लोग को इस समय में यही अवशेष मिला, हमें पत्थर पाषाण ही अवशेष मिला, जिससे कि हमें पता चला कि यहाँ के लोग क्या यूज़ करते थे, क्या इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हम लोग उसको पाषाण युग में क्लासिफाई किए, विभाजित किए। वैसे हम लोग इसका फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा इसे पाषाण युग क्यों कहते हैं। क्लियर? नाउ 4000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को हम लोग धातु युग कहते हैं। धातु युग में सबसे पहला धातु हम लोग ताम्र तांबा इस्तेमाल करना शुरू किए थे, तो उसे ताम्र युग कहा जाता है। 4000 से 3000 ईसा पूर्व को ताम्र युग, 3000 से 2000 ईसा पूर्व को कांस्य युग, 2000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को लौह युग कहते हैं। ये हमारा हो गया 4000 से 1000 ईसा पूर्व धातु युग। ये हम लोग जो देख रहे हैं उसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये हमें कुछ अवशेष मिले हैं, उसी से हम पता करते हैं कि उस समय काल में कुछ ऐसा हुआ होगा, कि बस अवशेष से ही हम पता करते हैं। अब 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देखते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। यहाँ वेद का वेद की रचना हुई थी इस काल में, इसलिए हम लोग इसको वैदिक काल कहते हैं। यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारा लिखित साक्ष्य है, उसी के बेसिस पे हम लोग आज जो इस समय को हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ इसके पहले के 1500 ईसा पूर्व से पहले का हमें हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। क्लियर? ये हो गया 600 ईसा पूर्व तक। ना ये हो गया जीसस क्राइस्ट का बर्थ। 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक को हम लोग झारखंड के इतिहास को 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक को कुछ इस तरीके से विभाजित किए हैं। ध्यान रहे, ये जो हम लोग टाइम पीरियड विभाजित कर रहे हैं, ये डिफरेंट विद्वानों, अलग अलग विद्वानों ने अपने कुछ ये वैरी कर सकता है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग टाइम पीरियड है, बस ये अबाउट है, ये अबाउट यही रहेगा, ये कुछ 10-20 साल वैरी कर सकता है, ये कुछ मैटर नहीं करता है। क्लियर? तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी को हम लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन झारखंड में इसको पढ़ते हैं। क्लियर? 1206 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी को हम लोग मध्यकालीन झारखंड में पढ़ते हैं। 1765 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी को हम लोग आधुनिक
झारखंड में पढ़ेंगे। 1947 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक को हम लोग झारखंड आज़ादी के बाद पढ़ेंगे। 1947 से 2000 ईस्वी तक हम लोग झारखंड आज़ादी के बाद में क्लासिफाई किए, विभाजित किए, हम लोग इसको एज ए सेपरेट अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर? 2000 ईस्वी से लेकर अब तक, सॉरी 2000 ईस्वी से लेकर 15 नवंबर 2000, ये 15 नवंबर 2000 से लेकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर अब तक के समय काल को हम लोग झारखंड एक पृथक राज्य के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। क्लियर? तो ये कुछ हम लोग झारखंड के हिस्ट्री को कुछ इतने पार्ट्स में पढ़ेंगे। पाषाण युग, धातु युग, प्राचीन झारखंड, मध्यकालीन झारखंड, झारखंड आज़ादी के बाद झारखंड एक पृथक राज्य, 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में बना था। क्लियर? तो ये हमारा हो गया झारखंड का कालक्रम। हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।